हेलो दोस्तों, मेरे हसबुल इलेक्ट्रिकल चैनल पे आप लोगों का फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लूपिंग वायरिंग कैसे करते हैं अंडरग्राउंड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक दीवार है दोस्तों, इसी में हम वायरिंग करेंगे। इसमें अंडरग्राउंड पार्ट लगा हुआ है दोस्तों, इसी में हम वायरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो चारों तरफ जो दीवार है दोस्तों, ये यहाँ से वहाँ तक दोस्तों जो दीवार है दोस्तों, इसी में हम वायरिंग करेंगे अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंड निकला हुआ है दोस्तों, इसी बैंड से हम तार डालेंगे, वायर डालेंगे। दोस्तों, 4 मीटर बाद एक एक जंक्शन है, बैंड है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से स्टील डालेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं वो स्टील यहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों, अब इधर से भी हम डालेंगे स्टील, छोटा स्टील डाल के फंसा के उसको खींचेंगे हम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमें स्टील आ गया है, इसी में हम वायर को बांधेंगे। दोस्तों, पहले हम वायर को छील लेंगे, तीनों वायर को। दोस्तों, अब छीलने का इसको बांध देंगे हम, देख सकते हैं हम बांध दिए हैं दोस्तों। इसको हम हल्का कुंडी को मोड़ देंगे ताकि पाइप में अटके ना। अब देख सकते हो दोस्तों, उधर से खिंचा रहा है पाइप, आप देख सकते हैं हमारा वायर जो भी है वो जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये जंक्शन है दोस्तों, जंक्शन में वायर आ गया दोस्तों। अब जंक्शन से अगला पॉइंट में जाएगा, इसको हम यहाँ खोल लेंगे दोस्तों, ये अगला पॉइंट में जाएगा। हम पहले स्टील डाल दिए थे दोस्तों, अब उसी स्टील में हम बांध देंगे दोस्तों। इसी स्टील के द्वारा हमारा अगले पॉइंट पे जाएगा वायर। हम इसको पहले खींच लेते हैं हल्का, वायर को बंडल में से खींच लेते हैं दोस्तों। खींचने के बाद फिर अगला इधर पॉइंट पे जाएगा। इधर देख सकते हैं, इधर भी खिंचा रहा है वायर। तो आप देख सकते हैं हमारा वायर आ गया दोस्तों, पॉइंट में पहुंच गया दोस्तों। अब हम इसी को गार्ड मार देंगे, यहाँ पर गार्ड मार के दोस्तों अगला उधर से हम डालेंगे कटिंग करके तार काट के। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर का हमारा वायरिंग हो गया दोस्तों। अब हमारा जो जैक्सन का वायर है दोस्तों, इसको हम बैठा देंगे। बैठाने के बाद दोस्तों अगला पॉइंट से फिर हम खींचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टील डाल दिया था दोस्तों, अब हम इसको हम बांध के खींचेंगे अगला पॉइंट में आगे के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। पहले हम बंडल से खींच लेते हैं दोस्तों, खींचने के बाद दोस्तों इधर से हम खिंचाएंगे स्टील को। आप देख सकते हैं इधर से खिंचा रहा है। देख सकते हैं मंडल में से जा रहा है वायर, यहाँ से खिंचा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक खट्टा खींच लेंगे, पहले अगले पॉइंट के लिए खींच लेंगे ज़्यादा करके तार हम, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा कट उट नहीं करेंगे, एक ही बार खींच के हम लूपिंग कर देंगे सभी तारों को। देख सकते हैं यहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों, बाद में इसको हम लूपिंग कर देंगे। अभी हम अगला पॉइंट में जाएंगे, इधर से हम अगला डालेंगे दोस्तों आगे तक।
अब देख सकते हैं जो दूसरा पार्ट दिख रहा है दोस्तों, इसमें से हम डालेंगे अगला पॉइंट के लिए। इधर से होते हुए दोस्तों इधर अगला पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसी में निकलेगा। तो यहाँ से हम स्टील डाल देते हैं दोस्तों अगला पॉइंट के लिए, फिर हम वहाँ से खींचेंगे, यहाँ से जो हमारा तार है दोस्तों यहाँ से हम खींच लेंगे। फिर अब यहाँ से स्टील निकलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं उधर से बंदा डाल रहा है स्टील। तो दोस्तों यहाँ से मुंह पे आ गया दोस्तों, इसको हम थोड़ा खींच लेंगे स्टील डाल के। अब जैसे तो हमारा स्टील आ गया है दोस्तों, अब हम इसी तार वायर स्टील में हम वायर को बांध देंगे। तो अब स्टील हम खींचेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा वायर जा रहा है। दोस्तों आप भी चाहें भी दोस्तों वायरिंग करना बहुत ही आसान है, आप भी चाहें तो लूपिंग वायरिंग कर सकते हैं ऐसे करके। आप देख सकते हैं हमारा अगले पॉइंट पे आ गया है दोस्तों, हमने वायरिंग कर दी दोस्तों लूपिंग वायरिंग, ये दोनों आपस में लूप हो जाएगा दोस्तों। लूप होने के बाद यहाँ से चला जाएगा लाइट में जोड़ने के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों, इसको भी हमने लूपिंग कर दिया है। जो हमने एक साथ डाला था पहले, इसको डालने का दोस्तों सबको खींच के लूप कर दिए हैं, आप देख सकते हैं बांध दिए हैं। अब देख सकते हैं इसे लूपिंग करके बांध दिया दोस्तों, इसमें जब स्ट्रीट लाइट लगेगा दोस्तों इसके ऊपर दीवार के ऊपर, तो इसमें से आप लाइट जोड़ सकते हैं। जो हम ये जॉइंट किए हैं दोस्तों, यहाँ से हम लाइट जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट ये भी है दोस्तों ऐसे ही 10-15 पॉइंट है दोस्तों इसी वायर में आप वायर को करंट करके दोस्तों स्ट्रीट लाइट जला सकते हैं, चाहे कोई सा भी लाइट जला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉइंट है दोस्तों, टोटल दोस्तों 15 पॉइंट है इसमें। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पूरा वायरिंग हो गया है। इसी में हमारा स्ट्रिप लाइट लगेगा दोस्तों, और इसका ऊपर ये जो ऊपर छज्जा देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें जब स्ट्रिप लाइट लगेगा तो इसका जो रोशनी है दोस्तों ये छज्जा पे जाएगा, तो और बाहर से दिखने में दोस्तों बढ़िया लगेगा, एकदम सुंदर दिखेगा रोशनी इसका। आप देख सकते हैं इसी छज्जा में दिखेगा दोस्तों। अब हम बताते हैं इसका सर्किट का कहाँ से कैसे जाएगा कैसे आएगा। ये जो आप जंक्शन देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी में से इसका सर्किट जाएगा। आप देख सकते हैं ये पॉइंट से इसमें मिला हुआ है, और इसमें से होते हुए दोस्तों ये नीचे से होते हुए ये हमारा यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक पाइप है दोस्तों, इसको अलग तोड़ेंगे तो ये नीचे डीबी के पास जाएगा। तो जो हमारा MCB बॉक्स है दोस्तों, वहीं से हमारा सर्किट आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों आइए आप समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्डिंगों के ऊपर दोस्तों लाइट जल रहा है दोस्तों, इसी को स्ट्रिप लाइट कहता है दोस्तों। इसका वायर इसका मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, पार्ट 2 में हम इसका वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कॉमेंट में जरूर लिखेगा, और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।